कर्नाटक में एक बार फिर से हिजाब पर सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने हिजाब पर लगी रोक को हटाने का फैसला किया। बीजेपी इस फैसले का विरोध कर रही है। बीजेपी ने कक्षाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगाए प्रतिबंध को हटाने के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी का कहना है कि यह शिक्षण संस्थानों की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के प्रति चिंता पैदा करता है। दरअसल कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शुक्रवार को कहा था कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर लगाया गया प्रतिबंध 23 दिसंबर को हटा दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि कपड़े पहनने और खाना खाने निजी मामला है। इस पर बीजेपी के प्रदेश इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने एक्स पर एक पोस्ट लिखते हुए कहा कि सरकार युवाओं को धार्मिक आधार पर बांट रही है। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं नागेंद्र भाटी। नागेंद्र, अब कर्नाटक में हिजाब से जो बैन लगा हुआ था उसको हटा दिया गया है, क्या जिस तरह की अब सियासत एक बार फिर से इस पर तेज हुई, अब बीजेपी का यह कहना है कि अब शैक्षणिक संस्थानों तक भी और युवाओं को भी धर्म में बांटने की कोशिश कर रही है सरकार? कर्नाटक का चुनाव हुआ था उस वक्त भी हमने ये सारे मुद्दे देखे थे और अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि बीजेपी मुद्दों के बजाय जो 10 साल का काम है सरकार का उसके साथ चुनाव में उतरना चाहती है और विपक्ष मुद्दों के साथ। तो ये एक जो बुर्का का जो ये हिजाब वाला जो जिन है ये एक बार फिर से कर्नाटक सरकार ने इसको बाहर निकाल दिया है और ये ऐसा मुद्दा है जो बीजेपी के लिए भी फायदेमंद रहेगा और कांग्रेस इसमें अपना फायदा देखकर ही ये फैसला कर रही है कि आज से स्कूल और कॉलेजों में भी बुर्का ये माफ कीजिएगा हिजाब पहनकर लड़कियां स्कूल जा सकती हैं, स्कूल कॉलेज जा सकती हैं। इससे पहले यदि दिसंबर 2021 से पहले हम जाएं तो तब ये कोई मुद्दा था ही नहीं। जो बच्चे थे वो जो स्कूल या कॉलेज की ड्रेस थी उसी को पहनकर जा रहे थे, लेकिन उसके बाद एक संगठन द्वारा ये लगातार हिजाब का मुद्दा उठाया गया और उसके बाद जो स्कूलों के अंदर लड़कियां ये सब पहनकर जाने लगी, जिसका विरोध हिंदू संगठनों की तरफ से भी किया गया और इसका जो देखा गया कि जो हिंदू छात्र या छात्राएं थे वो भगवा रंग के पटका पहन के स्कूल कॉलेज जाने लगे। उसके बाद कोर्ट में मामला पहुंचा और हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी क्योंकि जो हिजाब है वो मुसलमानों में अनिवार्य नहीं है। वो पहनते हैं अलग बात है लेकिन अनिवार्य नहीं है और ये कोई मौलिक अधिकार भी नहीं है, ये कहते हुए कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया गया। बिल्कुल नगेंद्र, जिस समय पर ये हिजाब वाली जो लड़ाई थी या जो इस पर सियासत थी, जब ये मामला उठा था उस समय की अगर कुछ तस्वीरों को याद किया जाए तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से या उनके नेताओं की तरफ से लगातार कुछ ऐसी तस्वीरें पोस्ट की जा रही थी कि सिख भी अपने सिर पर पगड़ी बांधकर चलते हैं, फिर उस पर रोक क्यों नहीं है, सिर्फ हिजाब पर क्यों है? तो क्या इसी तरह की चीजें फिर से सामने आएंगी? जी बिल्कुल, इसी तरह से फिर से ये सभी होगा। आप देखेंगे कि अभी कुछ दिनों के बाद भगवा रंग के जो पटका है वो पहन के जो हिंदू छात्र हैं वो जाएंगे। उस वक्त को आप याद कीजिए, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, जब जैन समुदाय के लोगों ने भी अपनी बात उसमें रखी थी कि फिर जैसा वो या उनके जैन मुनि रहते हैं वो भी उसी तरह से कॉलेज जाएंगे। तो ये मुद्दा फिर से इसी तरह से उठने वाला, और मैं यही कह रहा हूं कि एक बार फिर से कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने इस जिन्न को बोतल से बाहर निकाला है, जिसको कि वहां के कर्नाटक हाई कोर्ट ने बोतल में बंद कर दिया था। उसके बाद से ये सब शांत था, लेकिन एक बार फिर से ये मुद्दा उठता हुआ दिख रहा है क्योंकि विरोध इसका शुरू हो गया है दोनों तरफ से। बिल्कुल है, शुक्रिया नगेंद्र आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।